अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिहान शेख। आज की रेसिपी आके तंदूरी चाय। अभी तंदूरी चाय बनाने के लिए एक बाउल लेना है, उसमें एक ग्लास पानी को डाल लेना है, उसमें 2 टेबलस्पून चाय पत्ती को डाल लेना है। आप कौन सी भी चाय पत्ती ले सकते हो। अभी तंदूरी मसाला बना लेते हैं। अभी तंदूरी चाय मसाले के लिए 2 या 3 दालचीनी को डाल लेना है, 1 बड़ी इलायची, 3 या हरी इलायची, 4 से 5 लौंग को डाल लेना है, 5 से 6 काली मिर्ची को भी डाल लेना है। अभी इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ को डाल लेना है। अभी इसको दरदरा कूट लेना है। दरदरा कूट लिया है। अभी इस मसाले को चाय में डाल लेना है। अभी इसमें थोड़ा सा अदरक डालकर अदरक को भी दरदरा कूट लेना है। अदरक को भी दरदरा कूट लिया है। अब इसे अदरक को भी डाल लेना है। अभी इसमें 2 टेबलस्पून शुगर को डाल लेना है। अभी चाय को अच्छी तरीके से पका लेना है। से 10 मिनट अच्छी तरीके से पका लेना है। अभी अच्छी तरीके से पका लिया है। अभी उसमें 1 कप दूध को डाल लेना है। दूध को डाल लिया है। अभी इसको भी 5 मिनट पका लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय बन चुकी है। अभी इसको एक बाउल में छान लेते हैं। अभी इस पॉट को भी अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको गर्म कर लेना है चारों साइड। देखिए फ्रेंड, अच्छी तरीके से पॉट को गर्म कर लिया है। अभी इस पॉट को कौन सा भी एक बड़ा वाला पतीला लेना है, उसमें इस पॉट को रख लेना है। अभी इस चाय को इस पॉट में डाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी तंदूरी चाय बन चुकी है। अभी इसको सर्व करते हैं। इस तरीके से इसमें डाल लेना है, डालकर अभी सर्व कर लेना है। इस चाय को इस कपों में डाल लेना है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी तंदूरी चाय बन चुकी है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल रिहान शेख। थैंक यू।